हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ जो खरबूजा के पीछे होते हैं उसकी, जिसको बोलते हैं मिगी, उसकी मैं बताऊंगी गाइस कतली। सो गाइस, मैंने ये खरबूजा के मिगी ली है जो छिली हुई है गाइस इस तरीके से, और मैंने ली है चीनी। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है। पानी चाशनी के लिए गाइस उतना ही लेना है जितना चीनी, अगर आपके पास चीनी से थोड़ा कम पानी लीजिएगा। तो गाइस बनाएंगे इसकी कतली, खरबूजा की मैगी की कतली बनाने के लिए गाइस नॉन स्टिक पैन रखा है मैंने, और इसको गर्म किया है गैस को ऑन करके, और इसमें डालेंगे खरबूजा की मैगी। इसको गाइस हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी काले हो जाएंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये जो मैगी जो होती है आपस में ये कूदने लगती है और सब चारों तरफ छिटक जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, गैस को लो फ्लेम पर ही रखिएगा और इस तरीके से चलाएंगे इसको। अगर ये ज़्यादा तरह छिटक रही है तो इसको एक थाली ले लेंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि ये इधर उधर छिटके नहीं। अब आप देख रहे हैं कैसे इसमें चटर चटर की आवाज़ आ रही है। चटर चटर की आवाज़ आने लगती है तो ये परफेक्ट फ्राई हो गई है, और गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं। जब आप देख सकते हैं खरबूजा के जो बीजे हैं गोल हो जाएंगे, तो ये पतले हो गए हैं, डाइटिंग पर हो गए हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ये रही थाली, और इसमें डाल देंगे खरबूजा के बीजे। इसको गैस ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए इसको रखेंगे पंखे के नीचे। सो गाइस आधा घंटा हो गया है, अभी ये ठंडे हो गए हैं बीजे। अब इसको एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, अब इसमें डाल देंगे खरबूजा के बीजे। ये रहे मिक्सी के जार में, और इसको गाइस ध्यान रहे इतना मिक्स इतना महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही इसको मिक्सी में पीसना है। इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा है और बिल्कुल महीन नहीं करना है, और इसको डाल देंगे वापस थाली में। अगर आप गरम गरम इसको पीसेंगे तो ये मिक्सी के जार में सारा चिपक जाएगा और आपका ये करी का बुरादा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बीजे का, सॉरी मिंगी का। तो मैगी का बुरादा गैस तैयार हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, वापस गैस को ऑन करेंगे और वही मैंने फ्लेम रखा है, उसमें जो डालेंगे पानी, आधी कटोरी पानी मैंने लिया है। जितना पानी डाला है उतनी ही गाइस चीनी डालनी है। इसको गैस दो तार की चाशनी बना लेंगे। चाशनी को गाइस चेक करने के लिए मैंने पानी लिया है और पानी में डालेंगे चाशनी। तो ये चाशनी देखिए परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब जो करी का, सॉरी मैगी का बुराता जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको चलाएंगे।
फटाफट हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक थाली में ग्रीस कर लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इसको बराबर से कर लेंगे। अब ये जो है इसमें थाली में निकाल लेंगे। सो गाइस थाली में निकाल लिए, अब इसको बराबर से कर देंगे, इसको जमा देंगे अच्छे से। इस तरीके से गाइस आप बनाइएगा तो बहुत ही बढ़िया बनती है गाइस, गरी की मिगी की सॉरी बीजे की बर्फी। और इसको ठंडा करेंगे, पंखे के नीचे रख देंगे, ये टाइट हो गया है इस तरीके से। मिलते हैं ठंडा होने के बाद। तो गाइस खरबूजे की मीगे की कतली मैंने फ्रिज में रख दी थी और ये ठंडी हो गई है, इस तरीके से ये जम गई है। और अगर आप गरम गरम काटेंगे तो ये परफेक्ट नहीं बनेगी, तो आप देख सकते हैं कि कितनी टाइट है और छूने में भी नहीं पिचक रही है। तो इसको गाइस लेंगे एक चाकू और चाकू से काटेंगे इसका केक। इस तरीके से इसको काट लेंगे, जो भी शेप देना चाहें उस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। तो गाइज आपको ये मीगी वाली वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते चलिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। इस तरीके से काट लेंगे। अगर आप साबित मीगी की कतली बनाएंगे तो वो बिखर जाती है और गाइज परफेक्ट नहीं रहती है। तो गाइज लग रही है ना काजू की बर्फी जैसी, इस तरीके से गाइज आप बनाइएगा। और ना ही मैंने ज्यादा ऑयल डाला है और ना ही ज्यादा घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। जब आप गाइस फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। ये रही गाइस कतली। और कान्हा जी के लिए भोग लगाइएगा और लक्ष्मी नारायण के लिए, आज से जन्माष्टमी है तो आप सभी लोग इस का प्रसाद पाइएगा और एक दूसरे को खिलाइएगा। सो गाइस मैं इसको सर्व कर लेंगे। सो गाइस इस तरीके से ये बन चुकी है खरबूजा की मिगे की कतली और परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। और अब मेरे एक नया चैनल है जो मैं कम्युनिटी बॉक्स में जाएंगे नोटिफिकेशन दी है, उसमें शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाइएगा और मेरी शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और जन्माष्टमी की कान्हा जी की पूजा कीजिएगा। और इस तरीके से गाइस ये संपूर्ण भोग बन के तैयार हो जाता है, पंजीरी बनाते हैं। जो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरीके से नारायण का भोग बनाया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गैस नारायण का प्रसाद बने और तुलसी का भोग ना लगे तो गैस मैं इसके ऊपर रखूंगी तुलसी पत्र। तुलसी पत्र के बगैर गैस संपूर्ण भोग नहीं होता है और तुलसी पत्र रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर आप लक्ष्मी नारायण के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो आप तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, तभी आपका संपूर्ण भोग माना जाएगा। करिएगा आप जन्माष्टमी की पूजा बहुत ही धूमधाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक, न्यू वीडियो। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस मैं आज बना रही हूँ कान्हा जी के लिए पंजीरी। सो गाइस पंजीरी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी आटा और मैंने पिसी हुई बूरा जिसे बोलते हैं चीनी और मैंने लिया है घी। सो गाइस चलते हैं पंजीरी कैसे बनाते हैं। और ये सत्यनारायण की कथा में भी बहुत ही ज़्यादा बनती है और इस पंजीरी के बगैर भगवान जी का प्रसाद अधूरा है।
सो गाइज अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और मैं बनाऊंगी गाइज कान्हा जी के लिए पंजीरी। सो गाइज चलते हैं देर ना करते हुए गैस के पास। गैस को ऑन करेंगे और गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे घी 2 टीस्पून। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, ऑयल भी पिघल गया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी आटा। अब इसको चलाएंगे। इसको गाइस गुलाबी गुलाबी ही भूनेंगे और इसको चलाते रहेंगे और इसको ध्यान रहेगा जी ये जले नहीं। तो गाइस इसको मैं चलाती रहूंगी और ये गुलाबी हो जाएगा और बहुत ही पंजीरी जो है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। गुलाबी होने तक का इंतजार करना है और इसको चलाते रहेंगे। जन्माष्टमी में गाइस पंजीरी बनती है और पंजीरी के बगैर भोग अधूरा रहता है। नारायण को पंजीरी बहुत ही ज्यादा पसंद है, पंजीरी चना मिर्च। तो गाइस आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने गुलाबी फ्राई कर लिया है और कलर भी चेंज हो गया है इसका आटे का। तो गाइस आप अगर चाहें तो उसकी भी पंजीरी बना सकते हैं, सिंगाड़े के आटे की पंजीरी। उसकी भी सिंगाड़े के आटे की पंजीरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और अच्छी लगती है। बहुत से लोग सिंगाड़े के आटे की पंजीरी भी पसंद करते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ आटे की पंजीरी। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसको करेंगे ठंडा। सो गाइस आधा घंटा हो गया है, इसको मैंने ठंडा कर लिया है पंजीरी को। और अगर आप ठंडा नहीं करेंगे और चीनी ऐड कर देंगे पिसी हुई तो गैस आपकी ये हलवा बन जाएगा, पंजीरी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, आधे घंटे का वेट किया है। तो कई आटा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ठंडा करने के बाद इसमें अब डालेंगे बारीक पिसी हुई, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी बूरा नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी बूरा लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में चीनी को ग्राइंड कर सकते हैं और इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। जितना मैंने आटा लिया था उससे कम मैंने पिसा हुआ पूरा लिया है। तो गाइस ये परफेक्ट बन गया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेवा, तो गाइस पंजीरी बनके तैयार हो गई है कान्हा जी के लिए। इस तरीके से गाइस आप पंजीरी बनाइएगा आटे की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और नारायण जी लक्ष्मी नारायण को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो गाइस ये पंजीरी को मैंने परफेक्ट तैयार कर लिया है। सो गाइस आपको पंजीरी की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और एक मेरा चैनल दूसरा है शॉर्ट्स की वीडियो मैं डालती हूँ, कम्युनिटी बॉक्स में जाएंगे तो मैंने नोटिफिकेशन दी है, वहाँ पर आप जाके सर्च करिएगा कम्युनिटी बॉक्स में और शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूजा करिएगा जन्माष्टमी की। कान्हा जी का बर्थडे है और धूमधाम से मनाइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। Thank you.